नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को सब बिनार बनाया और उसी के थ्रू मैं रेगुलर भी हूँ, तो का लेवल दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और ये वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को निफ्टी वैटी का डायरेक्ट रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। स्ट्रैटेजी जो स्टॉक पुल होगा वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं, मैंने ये वाइसल लेवल कम स्किनर से मैंने स्क्रीनिंग करके रखा है और ये फाइल मैंने पूरा मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें मैंने शेयर कर देता हूँ। पूरा फाइल आप लोग देख सकता है, ऑलरेडी मैंने शेयर कर चुका हूँ। तो वन फाइल लेवल रहता है, कमोडिटी का लेवल रहता है, फ्यूचर्स का लेवल रहता है और इसमें वाइसल लेवल कम स्किनर का फाइल में वाइसल लेवल वन, वाइसल लेवल टू और वाइसल लेवल थ्री रहता है और बहुत सारा स्क्रीनिंग का चीज़ मिलता है, जो वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वी डब्ल्यू एफ ई, एम ए क्रॉस ओवर, पिवट पॉइंट, बोलिंजर बैंड, टीवन लेवल, इसी में कुक आउट, कुछ भी देखे आप लोग इसको ट्रेड कर, बहुत अच्छी तरह से ट्रेड कर सकता है। उसके बाद कोई भी वाइसल लेवल देख लेंगे, वाइसल लेवल वन टू और थ्री उसमें ट्रेड करेंगे तो आप लोग को बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से प्रॉफिट हो सकता है। और इसमें वाइसल लेवल कम सीट में भी कुछ इंडिकेटर लगा हुआ है और वाइसल लेवल थ्री है। वाइसल लेवल थ्री को मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों साइड में वाइसल लेवल रखा है। तो अप ट्रेंड जब ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, अप ट्रेंड जब नीचे रिटेस होगा तो कौन सा लेवल सही होगा, डाउन ट्रेंड जब रिटेस डाउन ट्रेंड जब और भी नीचे आएगा तो उसका कौन सा लेवल सही रहेगा और डाउन ट्रेंड जब रिटेस होकर ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल पे एंट्री लेने के सही रहेगा, वो आप लोग को इधर से मिल जाएगा। आप लोग इधर से कौन सा लेवल का कौन सा है उधर वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और इधर आप लोग स्क्रीनिंग के 530 में क्रॉस ओवर मिलेगा और इधर 50, 120 ये सब ई एम ए का क्रॉस ओवर देखे आप लोग स्क्रीनिंग कर ले सकते हैं। उसके बाद जब ट्रेंड हो जाएगा, ट्रेंड का कन्फर्म कर लेंगे तो अप ट्रेंड का वाइसल लेवल देखेंगे और डाउन ट्रेंड का वाइसल लेवल देखेंगे। और वाइसल लेवल थ्री मैंने अलग से फाइल बनाया, सभी चीज़ है, ओनली बाई 534 ये में क्रॉस ओवर है और इधर का प्रीवियस उसका हिसाब से कुछ स्क्रीनिंग का इंतजाम करके रखा है। तो ये आप लोग यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट से प्रॉफिट कमा सकता है। तो देखते हैं आज का कल के लिए मैंने ये स्टॉक चुना है, उसका लेवल देख लीजिए। ये बाई का वाइसल लेवल वन में बाय का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ रहता है और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ रहता है, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ रहता है। सेल का भी ऐसा है, सेल का लेवल भी ऐसा है। ये किया वाइसल लेवल वन, इसके बाद आ रहा है वाइसल लेवल टू, ये है वाइसल लेवल टू, हम लोग देख सकते हैं भाई आप टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, सेल भी लो टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री। इसके बाद मैंने आप लोग को वाइसल लेवल थ्री भी दिखा देता हूँ। ये है वाइसल लेवल थ्री, इसमें आर वन है एंट्री पॉइंट, उसके बाद बाकी सब टारगेट है और एस वन है सेल का एंट्री लेवल और उसमें सेल का एंट्री लेवल और बाकी सब टारगेट और पिवट पॉइंट का, पिवट पॉइंट भी आप लोग इधर से देख सकते हैं, इधर से भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। और भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो भी आप लोग वाइसल लेवल का हिसाब से देख सकता है, वाटी रन लेवल, इसका टॉप लाइन, मिडिल लाइन और बॉटम लाइन आप लोग ट्रेड का मतलब बाई का एंट्री लेवल, सेल का एंट्री लेवल और पिवट पॉइंट का वो नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा तो आप लोग बाई के लिए एंट्री ले सकते हैं और पिवट पॉइंट का नीचे जाएगा तो सेल का एंट्री लेवल ले सकता है। टॉप लाइन क्रॉस करेगा तो बाई लेवल एंट्री ले सकता है, बॉटम लाइन क्रॉस करेगा तो नीचे आएगा तो आप लोग सेल का एंट्री लेवल ले सकता है। और इसका मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखा देता हूँ। वाइसल लेवल वन आप लोग देख लीजिए पहले, उसके बाद वाइसल लेवल टू, ये है वाइसल लेवल थ्री, यह पिवट पॉइंट, टीरल लेवल भी दिखा देता हूँ। मैंने आज एक स्ट्रैटेजी शेयर किया, वो भी जरूर देख लीजिएगा, तो टीरल लेवल का भी आप लोग को अच्छी तरह से पता चल जाएगा।
और मैंने कमोडिटी का लेवल दिखा था हूँ, ऐसे लेवल 1, 2 मैंने इन सब को बनाने के लिए बहुत सारा डाटा एंट्री करने के पड़ा, तो इसीलिए आप लोग को स्क्रॉल करके दिखाना पड़ेगा कहाँ पर वैसे लेवल 1, 2, 3 आए, ऊपर में हेडिंग रहता है, कुछ 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 भी प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग जो जो लेवल है उसका अलग अलग, ये प्राइस चैनल भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका भी आप जो लेवल है ये क्रॉस करने प्राइस का, प्राइस चैनल का अपर बैंड जब क्रॉस करेगा, लोअर बैंड जब क्रॉस करेगा, मिड बैंड जब क्रॉस करेगा, ये भी एक लेवल आप लोग को बनता है। तो बहुत सारा चीज़ मैंने इधर करके रखा हूँ, आप लोग ये फाइल यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए आप लोग को मेरा पेड सर्विस लेना पड़ेगा। फर्स्टली आप लोग मेरा पेड सर्विस ग्रुप में फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है। कुछ भी आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोग को 90% या 95% के ऊपर आप लोग को प्रॉफिट में रहेंगे। बहुत सारा डाटा कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारा डाटा उठाना पड़ता है, तो इसीलिए इसका मैंने कुछ मतलब फ्यूचर्स का भी लेवल दिखा देता हूँ। तो इसीलिए आप लोग को स्क्रॉल करके करके देखना पड़ेगा, ऊपर हेडिंग रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अलग अलग सेक्शन का अलग अलग से मतलब ऊपर हेडिंग दिया हुआ है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। और ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।